सीरियल उड़ारिया का आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। दर्शक जो इतने दिन से देखना चाह रहे थे वो आज उन्हें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। आप सभी को बताते चले कि फतेह जैस्मीन को लेकर बॉक्सिंग रिंग में पहुंचता है, जहां पर वो उसे कहता है कि बस अब बहुत हुआ जैस्मीन, अब मैं तेजो को धोखा नहीं दे सकता, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ, क्योंकि हम लोगों का प्यार इतना ज़्यादा बुजदिल नहीं है कि किसी की जान से बढ़कर हो। तेजो मर भी सकती थी। यहाँ पर जैस्मीन फतेह को समझाती है और कहने लगती है कि मरी तो नहीं ना, अभी सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोग अपने प्यार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फतेह यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जैस्मीन से कहता है कि वो तुम्हारी बहन है जैस्मीन, कुछ तो समझा करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ समझती ही नहीं हो अपने अलावा। और फतेह अब डिसाइड कर लेता है कि वो जैस्मीन से कभी नहीं मिलेगा। फतेह वहां से चला जाता है, जैस्मीन रोते रह जाती है। जैस्मीन को ऐसा लग रहा है कि फतेह का गुस्सा शांत होगा और फतेह फिर से उसके पास दौड़ा भागा चलाएगा। लेकिन दो दिन बीत जाते हैं, फतेह ना तो जैस्मीन को कॉल कर रहा है ना ही जैस्मीन के कॉल को रिसीव कर रहा है। यहाँ जैस्मीन छटपटाई हुई और इधर फतेह जो है तेजो के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, उसे बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहा है, अपने हाथों से पराठा बना रहा है और उसे खिला रहा है। तेजो ये सब देखकर बहुत खुश है। तेजो को ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसलिए फतेह इतना कुछ कर रहा है। इसलिए तेजो कहती है कि फतेह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम एकेडमी के काम में ध्यान दो। यहाँ तेजो के बहुत जिद करने पर फतेह एकेडमी चला जाता है। अब फतेह एकेडमी जाता है और इधर जैस्मीन को उसकी माँ से पता चलता है कि जो फतेह है वो एकेडमी गया हुआ है, तेजो घर में है, इसलिए वो उससे मिलने जा रही है। अब जैस्मीन एकेडमी आ जाती है, जहाँ जैस्मीन फतेह के केबिन में जाती है तो देखती है कि अमृत बैठा हुआ होता है। अमृत देख के जैस्मीन को हैरान हो जाता है। जैस्मीन कहती है, अरे मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हारी बाइक को देखा तो मैं बस आ गई यहाँ पर। अमृत को थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर लगता है, लेकिन फिर अमृत बात करने लगता है। अमृत कहता है कि भैया तो आजकल बहुत बिजी हैं, जब से तेजो के साथ वो हादसा हुआ है तब से उनका ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जैस्मीन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे तब तक फतेह वहाँ पर आ जाता है। फतेह इन दोनों को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कॉफ़ी पीनी है तो कैफ़े में जाकर पियो, यहाँ पर काम होता है। अब दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन जानबूझकर जैस्मीन वहाँ अपना मोबाइल छोड़ देती है ताकि वो दोबारा लेने आए। जैस्मीन यही करती है, दोबारा लेने मोबाइल कैबिन में आती है, जहाँ वो फतेह से कहती है कि फतेह तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ये सब भूलना होगा, हमें अपने प्यार को आगे बढ़ाना, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ फतेह जैस्मीन से कहता है, जैस्मीन तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ बात नहीं करना है। तब तक अमृत कैबिन में आ जाता है। अमृत कहता है जैस्मीन से, चलो जैस्मीन अब घर चलना है ना। जैस्मीन गुस्से में चली जाती है। जैस्मीन इंतज़ार कर रही है, दिन बीत रहे हैं, लेकिन जैस्मीन को फतेह का कोई कॉल नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि अब जैस्मीन गुस्से में एक फैसला ले रही है। जैस्मीन का कहना है कि अब मैं अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, मैं ऐसे फतेह को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इसके लिए अगर मुझे तेजो को सच बताना पड़े तो मैं तेजो को सच बताऊंगी। देखना दिलचस्प है कि क्या करती है जैस्मीन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।